नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों इंडियन नेवी की जो SSR और EE की जो रिक्वायरमेंट जो आई है दोस्तों, उसके बारे में मैं आज आपको फुल डिटेल्स बताने वाला हूं कि आप कैसे इसकी एज क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, कितनी पोस्ट है। दोस्तों फुल आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वरना दोस्तों नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बाजू का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए और हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपको अगर चेक करना है दोस्तों तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है इस ऐप की। माची नौकरी नाम का जो ऐप है दोस्तों, इस पर जो भी वर्तमान रिक्वायरमेंट या फिर भर्ती आप जो भी निकलती हो इस पर अपडेट आ जाती है। आप देख सकते हो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडियन नेवी सेलर रिक्रूटमेंट 2022 की जो नई भर्ती यहाँ पे मेगा भर्ती पड़ी है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे टोटल जो पद है दोस्तों वो 2500 पद है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पद क्रमांक 1 है दोस्तों वो सेलर EE का है, जिसकी कुल पद संख्या 500 है। आप देख सकते हो, और जो सेकंड सेलर SSR का जो पद है दोस्तों उसकी कुल पद संख्या 2000 है, यानी टोटल 2500 पद यहाँ पे मेगा भर्ती निकली हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे SSR और EE की, यहाँ पे आपको शैक्षणिक पात्रता यहाँ पे दी गई है। पद क्रमांक 1 मतलब सेलर EE के लिए आपको 60% गुण सह आपको 12वीं गणित और भौतिक शास्त्र उत्तीर्ण होगा। मतलब आपके अगर 12th में अगर आपका साइंस होगा तो आप इसे आपको 12th में अगर 16 के ऊपर जब आपको परसेंटेज होगी तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास साइंस होगा तो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पद क्रमांक 2 यानी सेकंड आपको SSR के लिए 12th पास लगे 12वीं, और यहाँ पे गणित और आपको भौतिक शास्त्र यानी आपको मैथ और फिजिक्स उत्तीर्ण चाहिए 12th में। अगर आपका 12th में मैथ और फिजिक्स होगा तो आप इस पद क्रमांक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शारीरिक पात्रता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऊंची जो है जो आपकी हाइट होगी दोस्तों वो 157 सेंटीमीटर होगी, और आपको शारीरिक योग्यता जांचनी जो होगी, आपका जो ग्राउंड होगा फिजिकल जो होगा दोस्तों, उसमें आपको 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग ली जाएगी आपकी, जो आपको 7 मिनट में पूरा करना है। और आपके 20 आपको स्क्वायरवेट ऐप्स आपको लिए जाएंगे और उठक बैठक लिए जाएंगे, जिसे हम हमारी भाषा में उठक बैठक कहते हैं। और आपको 10 पुशअप लगाने होंगे। यह रहा आपका फिजिकल दोस्तों, मैंने आपको फिजिकल बता दिया है। तो दोस्तों पढ़ते हैं हमारे एज लिमिट की तरफ। तो दोस्तों अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2002, आपको अप्लाई करना है तो आपका जन्म 1 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2005 के आपको दरम्यान होना चाहिए आपकी एज, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज इसमें बैठ जाती है तो आप इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो अप्लाई कर सकते हो। वो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हम बढ़ते हैं अगली तरफ दोस्तों। आपको जो आपकी जो नौकरी का ठिकाना है दोस्तों, जो आपकी जॉब का ठिकाना है वो संपूर्ण मतलब पूरे भारत में दोस्तों। और आपको यहाँ पे जो आपकी पेमेंट होगा दोस्तों कोई तो आपको पेमेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको फॉर्म भर जो आपका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो यहाँ पे देखिए 5 अप्रैल 2022 आपको यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो भी दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया होगा कि स्टार्ट किस डेट से हो रही है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ परीक्षा देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मई या जून में होगा 2022 में, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आप यहाँ पे अभ्यासक्रम भी देख सकते हैं आपको क्या सिलेबस होगा आपका। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अर्जा अप्लाई ऑनलाइन की जो तारीख है दोस्तों, जो डेट है वो स्टार्टिंग 29 मार्च से हो रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है मैं इस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंग्लिश में डिटेल्स आ चुकी है यहाँ पे। तो दोस्तों हम जो हमारी जाहिरात है जो नोटिफिकेशन दोस्तों उस पर क्लिक करके देखते हैं, और मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। और तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है। तो देखिए
यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है आपको। तो जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दी है, जो आपका 10+12 एग्जामिनेशन एंड 16% और मोर मार्क एंड मैथ एंड फिजिक्स। तो ये था डबल ए का। और अब मैं आपको इसे सर का बताता हूँ, क्वालिफाई इन 10+12 एग्जामिनेशन विथ मैथ एंड फिजिक्स, जो मैंने आपको बता ही दिया है अभी। और जो एज लिमिट है दोस्तों वो भी मैंने आपको बताई है, 1 अगस्त 2002 31 जुलाई 2005 तक। दोस्तों बात आती है इसके सैलरी की, तो दोस्तों आपको सैलरी यहाँ पे दी गई है इन्होंने। दोस्तों आपको ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी मिलेगी वो 14,600 मिलेगी पर मंथ के लिए, और आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 21,700 से आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। वो आपकी सैलरी जाएगी 71,100 रुपये तक, तो यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ अलाउ दिए गए आप देखिए, यहाँ पे प्लस एक्स ग्रुप बी ओनली आर्ट क्लब प्रिंसिपल डबल ए 3600 रुपये, जो भी आपको यहाँ पे भत्ता मिलेगा वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। तो ये सब डिटेल्स मैंने आपको बता दिए। अभी देखो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिटन टेस्ट जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आप हिंदी और इंग्लिश में दो लैंग्वेज में होगा। एमए मैंने आपको फिजिकल भी बता दिया है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दी गई, आप इसे पढ़ लीजिए। आपको ट्रेनिंग के दौरान भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, द ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल बी कॉमन्स इन अगस्त 2022, मतलब आपकी ट्रेनिंग जो है अगस्त, अगर आपने रिटन एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया और आपका फिजिकल भी हो चुका है, तो आप अगस्त 2022 में आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। यहाँ पे ऐसी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप इसे पढ़ लीजिए। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इस तरह से जो इंडियन नेवी की जो वैकेंसी निकली हुई, रिक्रूटमेंट निकली हुई है दोस्तों। अब इसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है मैं इस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।